ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस वाले एक फरियादी महिला को चमड़े की बेल्ट से पीटते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वल्लभगढ़ के आदर्श नगर का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरह से पुलिस वाला महिला को बेल्ट से पिटाई कर रहा है, इससे ये सवाल उठता है कि क्या किसी महिला से इस तरह से पूछताछ होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो फिर महिला थाने किस लिए बने हैं? आप भी देखें कि पूछताछ में किस तरह से महिला की बेल्ट से पिटाई की जा रही है। इस मामले में अब तक चार पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जब पुलिस ने पकड़े क्या कर रहे थे? आई कहाँ थी? चांट घोड़ी हाँ घोड़ी चांट ठीक है। बाबा रामदेव के बयान से एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बाबा रामदेव योग का पाठ पढ़ाते पढ़ाते व्यापार में भी उतर गए हैं, मगर अब देश की तरक्की कैसे हो, बाबा रामदेव ने ये फार्मूला भी ढूंढ लिया है। बाबा रामदेव ने दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को चुनाव लड़ने और मतदान देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, सरकारी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित करने की बात कही। हालांकि बाबा रामदेव ने इसमें किसी धर्म और जाति का नाम नहीं लिया है। 25-50 वर्षों में भारत की आबादी 200 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में इतनी आबादी को देश झेलने के लिए तैयार नहीं है। न तो उतनी सड़कें हैं, न स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न उतने लोगों के रोजगार है, न उतने लोगों के लिए हमारे पास में खाने के लिए अन्न होगा, न जीने के लिए जमीन होगी। ऐसे में चाहे वो किसी भी जाति मजहब के लोग हों, दो से बच्चे ज्यादा जो भी पैदा करें उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए, उनको चुनाव में वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए और सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान करना चाहिए। इससे लोग हतोत्साहित होंगे और दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बिहार के बेगूसराय जिले के बरियारपुर में एक मुस्लिम युवक को गोली मार दी। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम होने के कारण उसे गोली मार दी गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। मोहम्मद कासिम गांव में फेरी लगाकर सामान बेचता है, तभी राजीव यादव नामक एक व्यक्ति ने उसे बुलाकर अपने पास उसका नाम पूछा और नाम सुनते ही गोली मार दी। क्या नाम हुआ बोलिए? पिताजी का नाम मोहम्मद अग्नू। कहाँ गोली मारा आपको? कुंभे। कौन लड़का मारा? मारा राजीव जाधव। क्यों मारा? हमसे वो नाम पूछा सर, हम नाम बताए मोहम्मद कासिम मियां है। बोला बहन से तुमको पाकिस्तान में रहना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है? इसी बात पर आपको गोली मार दिया? बस इसी इतनी ही सी बात पर गोली सर मार दिया। वो दारू पी के फलाड हुआ था और कोई लोग नहीं था वहाँ? एक पान वाले के सामने, उसके पान वाले के सामने गोली मारा। हमारा गाड़ी भी वही है सर, चाबी पास में है। कितनों पेड़ मैंने इसी साधारण बात पर लड़का गोली मार दिया। भिवंडी में रात करीब 10:30 बजे खोखा कंपाउंड शांति नगर पुलिस स्टेशन के पास भिवंडी कल्याण रोड पर एक कपड़े के कारखाने में भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका। नसीराबाद जिले के जलगांव में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में रेडीमेड कपड़े थे। बताया जा रहा है कि 15 लाख से भी ज़्यादा के रेडीमेड कपड़े थे। हादसा नागपुर हाईवे के पास हुआ है। ट्रक अमरावती की तरफ जा रहा था, मगर आग लगने से ट्रक सहित माल जलकर राख हो गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।